पुजारी जी, पुजारी जी, मंदिर के दरवाजे खोल दीजिए ना। देखिए भगवान श्री कृष्ण के जन्म का समय बीता जा रहा है। ये क्या कह रही हो बेटी, द्वार तो हर साल की तरह आज भी राजा साहब ही अपने हाथों से खोलेंगे। अरे वाह, राजा साहब नहीं आएंगे तो क्या भगवान का जन्म नहीं होगा? भगवान का जन्म भी किसी के लिए रुक सकता है भला? हमारे लिए रुक सकता है। कौन है तू और हमारे मंदिर की सीढ़ियों पर पैर रखने की तूने जुर्रत कैसे की? मंदिर तो भगवान का होता है। मंदिर चाहे भगवान का हो, बना हमारे पैसों से है। इतना ही शौक था मंदिर बनवाने का तो उसे अपने महल में बनवा लिया होता। मंदिर तो सबका होता है और इसकी सीढ़ियां हर कोई चढ़ सकता है, चाहे वो धनवान हो या निर्धन। बहुत शौक है तुझे मुंह लगने का। तो लगा मुंह। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। अरे चल। बात मान ले, तुझे मेरी कसम। चल 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 यहाँ से। चलो चलो। अजय बेटी नाराज है अपनी माँ से? वैसे एक बात कहूं, मुझे जिंदगी का तजुर्बा तुझसे ज्यादा है। जिन लोगों से तू टकरा रहा था उनसे दूर रहना ही बेहतर होगा। वैसे भी कहते हैं ना, आग से नहीं खेलना चाहिए। अजय, अजय, ये तूने क्या किया बेटे? माँ, मुझे आग से खेलना आता है और उससे बुझाना भी। की राजकुमारी, तुझे हकीकत समझाने आई हूँ। देखा, तेरी हकीकत मेरे कदमों में है। वैसे ये जाल काफी खूबसूरत है। निकल नहीं पाओगे। कमबख्त, निकलना भी कौन चाहता है? फितूर है तुम्हारे दिमाग का। आखिर तुम कहाँ और मैं कहाँ? मैं आसमान की ऊंचाई में बसने वाली वो शहजादी हूँ और तुम जमीन पर रेगने वाले एक मामूली कीड़े। इस फासले को तुम कभी मिटा नहीं पाओगे। 4 इंच ऊंची एडी के जूते पहनकर कोई आसमान नहीं हो जाता मेम साहब। जब गिरोगी ये जमीन ही संभालेगी। तब की तब देखी जाएगी। आज तो तुम मेरे रहमो करम पर हो। सुनो, मेरी कैद मेरी मजबूरी नहीं, मेरी मर्जी है। क्या मतलब? अभी पता चल जाएगा।
स्टूपिड फूल। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। की गल है बादशाह? बस कोई गंदा जिहा नाला देख कर कूड़े नूं उहदे विच सिट दिओ। चंगा जी, चल पुत्तर, चल पुत्तर। दीदी जूस, तो तू दुश्मन के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही थी? तू क्या समझती है और वो क्या समझता है कि हम झुक जाएंगे? प्यार झुकता नहीं है दीदी। औरत चाहे गरीब की कुटिया में हो या महलों में, उसकी नजरें हमेशा झुकी हुई अच्छी लगती है। लेकिन हम वो लड़की नहीं जो झुक जाए। जीत हमारी होगी, उस अजय की नहीं। नमस्ते राजा साहब। जीते रहो रुपेश, हमने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि मंगनी होने से पहले रमा और तुम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लो। जी राजा साहब। आओ रमा, आओ आओ बेटे। देखो, भवानीपुर की शान किशनगढ़ की जान से मिलने आई है। हेलो। मगर ताऊ जी, मैंने इन्हें पहचाना नहीं। बेटे, ये भवानीपुर इंडस्ट्रीज के मालिक केदारनाथ जी के इकलौते चश्मो चिराग रुपेश हैं। इन्हीं से तो तुम्हारी सगाई तय की है। मगर ताऊ जी, मैं तो इन्हें जानती अपने जंगलात में दोस्तों के साथ शिकार के लिए जा रहा था। शिकार? जी। हाउ एक्साइटिंग, आप शिकार करते हैं? जी हाँ, क्यों? वैसे तो किसी जंगली जानवर का शिकार करने का हमारा भी बड़ा दिल करता है। ओह रियली? तो चलिए ना हमारे साथ, इसी बहाने आपके शिकार करने के शौक भी पूरे हो जाएंगे और हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान भी लेंगे। क्यों राजा साहब? व्हाई नॉट, रमा जरूर जाएगी। शिकार? आप इतनी सुबह सुबह यहाँ? लगता है मुझे मिलने की बेताबी में रात भर सोई नहीं। हाँ, मैं सारी रात सोई नहीं, तुम्हें याद करती रही, और सुबह का सूरज चढ़ते ही तुम्हें ये कहने आई हूँ कि अब तुम उम्र भर रातों को सो नहीं सकोगे। अच्छा, मैं शादी करने वाली हूँ। हमारी शादी इतनी जल्दी? अरे, मैंने तो अभी तक अपनी माँ से बात भी नहीं की। गलत फहमी के शिकार हो तुम, मेरी शादी भवानीपुर के राजकुमार रुपेश सिंह से होने वाली है। क्यों, कैसा लगा और तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई मुझसे शादी करने के सपने देखने की? मेरा तन मन उसकी अमानत होगा, वो मेरी इज्जत आबरू का रखवाला होगा, मेरी हर सांस उसकी होगी। हर रात जब तुम मेरे लिए तड़पोगे, मैं उसकी मजबूत बाहों में होंगी, मेरी डोली तुम्हारे घर के सामने से गुजरेगी और तुम देखते रह जाओगे। बहुत शौक है ना तुम्हें रांझा बनने का, तो चलो आज मैं तुम्हें कैद से मजनू बना दूं, वो मजनू जिसे लैला कभी हासिल नहीं हुई, जो रेगिस्तान में दर बदर भटकता रहा, जिस पर जमाना पत्थर मारता रहा, वो बेवकूफ लैला अपने मजनू को पत्थरों से बचाती रही, लेकिन मैं एक पत्थर मैं भी मारूंगी।